पटवारी परीक्षा घोटाले को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोनू सक्सेना अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, तभी बीच में प्रशासन द्वारा मोनू और उसके साथियों को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। मोनू ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हाथ में काले झंडे लेकर पहुंचे थे। उनके साथ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। बढ़ते प्रदर्शन को देख पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन चलाया। वाटर कैनन के पानी में तेज बहाव से जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना घायल हो गए। उन्हें आंख और पैर में चोट आई है, साथ ही महिला कांग्रेस कार्यकर्ता महक के सर में भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच गर्मा गर्मी का माहौल बना रहा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। बात तो मोनू सक्सेना जी को बधाई और जिला कांग्रेस आज नवनियुक्त जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मोनू सक्सेना जी आज यहां पे चार्ज लिया है भोपाल के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का, उनको बधाई देना चाहता हूं। ये आज सोनिया गांधी जी के, खड़गे जी के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ जी के प्रतिनिधि हैं यहाँ पे कांग्रेस। और ये इतिहास है कि चार्ज लेते ही आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव इस बात के लिए किया जाएगा जो पटवारी घोटाले में जो घपला हुआ है, जो व्यापम थ्री हुआ है, पटवारी जो संजीव सिंह बीएसपी से बीजेपी में गए, उनके कॉलेज से 10 में से 8 सीट 10 बैठे बाद सेलेक्ट हो गए, उसको तोहफा दिया तो बीजेपी में आ गया भैया। और बालाघाट से का आदमी बालाघाट में नहीं बैठ रहा परीक्षा में, जाके बैठ रहा है ग्वालियर में और टॉप कर रहा है। तो ये सेटिंग थी, तो ये जो घोटाला हुआ है और 9 लाख लोग जो बैठे हैं वो सब देखते रह गए, उनसे फीस भी ले ली। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और मोनू के चार्ज लेते ही आज अभी यहाँ से मुकेश नायक जी के भाषण के बाद हम लोग कुछ करेंगे। बीजेपी देखिए, मुझ जैसे छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता पर मध्य प्रदेश की राजधानी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने विश्वास जता करके मुझे भोपाल जिले की कमान व अध्यक्ष की कमान सौंपी है। मैं माननीय कमलनाथ जी को विश्वास दिलाता हूँ और वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाता हूँ
कि उनके सम्मान के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के सम्मान के लिए, मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों को सम्मान के लिए उनके उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का झंडा लेकर के रोड़ों पर आंदोलित होकर के गली मोहल्ले में कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक फैलाने का काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूंगा। लेकिन आज ये शपथ ग्रहण नहीं है, कारबार ग्रहण नहीं है, आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और मैं मोनू सक्सेना बना अध्यक्ष बनी हूँ, लेकिन मैं हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता बनकर के काम करूंगा। और आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके ये हम चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि मध्य प्रदेश में जैसे व्यापम घोटाले हो रहे हैं, अभी व्यापम 3 हुआ है पटवारी के रूप में, ऐसे घोटाले अगर अब होते रहे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साहस की खारी को मैं घुसने नहीं दिया जाएगा। जहां पर भी जाएगा रोड़ों पर बाधा बनेंगे हम लोग, जहां पर भी जाएगा काले झंडे दिखाएंगे, और जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं उनके बंगलों पे घुस घुस कर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन करेगी और मध्य प्रदेश की जनता को उनका अधिकार दिलाने का काम करेगी। अरे तो बालाघाट से वहाँ ग्वालियर देके कैसे टॉप पे आ रहा है? बालाघाट में तो नहीं बैठा, और एक ही कॉलेज से जो बीजेपी के विधायक है 10 में से 8 कैसे पास हो रहे हैं? बाकी जगह तो एक भी नहीं हो रहा है, ये अपने आप में। और इसलिए तो मुख्यमंत्री का जांच होगी, इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए, हमारी मांग है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।